हेलो दोस्तों, रूपालीज किचन एंड क्रिएटिविटी में आज हम बनाने वाले हैं शेजवान पनीर। सामग्री को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखते हैं आगे की रेसिपी। पनीर को हमने शैलो फ्राई किया है, डीप फ्राई नहीं करना है। देखिए इस प्रकार से तवे पे मैंने तेल डाला है, थोड़ा सा ही तेल लगेगा। दोनों तरफ से भूनने के बाद हम पनीर को ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। एक कढ़ाई में मैंने तेल लिया है। तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद जो बारीक कटा हुआ प्याज है वो मैं इसमें डालूंगी। प्याज को हमें अच्छे से भून के लेना है। में नमक डालेंगे स्वादानुसार। देखिए ये प्याज अच्छी तरह से भून के हो गया है। अभी मैं इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च है उसे डालूंगी और अच्छे से भून लेंगे। देखिए इस प्रकार से धीमी आंच पे या मीडियम आंच पे ही हमें भूनना है। दोस्तों, आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे एक चम्मच। रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर अच्छे से मिक्स करके हमें इसे भूनना है। देखिए एक टेबलस्पून टमाटो केचप, एक टेबलस्पून रेड चिली सॉस, अभी एक टेबलस्पून सोया सॉस। अच्छे से मिक्स करके लेते हैं हम इसे। और फिर दो बड़े चम्मच मैंने शेजवान सॉस लिया है, शेजवान चटनी। देखिए आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप और भी ले सकते हैं। आधा चम्मच शक्कर, और जो हमारा पनीर है भुना हुआ मैं इसमें डालूंगी अभी, और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए मैं ये शेजवान पनीर थोड़ा ड्राई रखूंगी। अगर आपको लिक्विड चाहिए तो आप लिक्विड रख सकते हैं। थोड़ा सा ही पानी डाला है, लगभग आधा कटोरी। अच्छे से मिक्स करके अभी हम इसे पकाएंगे, ढक के पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर बाद में इसका ढक्कन निकाल देंगे और इसे ड्राई बनाएंगे। देखिए मेरा शेजवान पनीर बिल्कुल तैयार है। ये एकदम झटपट बनने वाली रेसिपी है, हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप भी ये दोस्तों रेसिपी ट्राई कीजिए। रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। रूपालीज किचन एंड क्रिएटिविटी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों हमारी अगली रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग रूपालीज किचन एंड क्रिएटिविटी। थैंक यू।